हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ में ना मटन कोरमा, ना मटन करी, ना मटन का सालन। आज मैं मटन की एकदम नई और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो फुल वॉच करना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हमने इस तरह का हाफ के जी मटन लिया है। मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में एक बड़े से बोल में ले लेंगे। देखिए इस तरह से। मटन में पानी नहीं रहना चाहिए। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसे मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि मटन में सारे चीजें अच्छी तरह से लग जाए और मटन अंदर तक के टेंडर हो जाए। अब गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक बड़ा या तो कुकर रखेंगे। 150 ग्राम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। 2 से 3 मीडियम साइज के अनियन डालेंगे, मोटी मोटी चॉप करके डालेंगे। इसे सॉफ्ट होने तक के हमें भून लेना है। अब इसमें डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च, 15 से 20 काजू, और ये धनिया पत्ता इसे साइड में रख देंगे, बाद में हम यूज करेंगे। अब ये डालने के बाद में भी सारी चीजों को अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि इन सारी चीजों का कच्चापन निकल जाए। लगभग 10 मिनट हमें पकाकर रेडी करना है। लगातार स्पैचुला चलाते रहेंगे, ताकि जो है तो अनियन नीचे से लगे ना और जले ना। जब अनियन जल जाती है तो फिर हमारे मटन का कलर बदल जाता है। इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो हमें जलाना और कलर बदलना नहीं है। अब देखिए ये जो है तो अनियन हमारी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब ये सारी चीजें जो है तो एक प्लेट में हम निकाल लें। और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पूरी इस तरह से अनियन वो निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में गरम गरम में जो है तो गरम मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 लौंग, 10 काली मिर्च। इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है। मैरिनेट किया हुआ मटन है वो डाल देंगे हम इसमें। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें डालेंगे 1 गिलास वाटर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और फिर से मिक्स करेंगे सारी चीजों को। अब इसे जो है तो ढक्कन ढक देंगे, बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। जब तक ये बॉईल होता है तो ये हमारा मसाला काफी ठंडा हो चुका था। इसे भी मिक्सी के जार में हम ले लेंगे। अब इसमें जो धनिया पत्ता हमने निकाल के रखा है उसे वॉश करेंगे, वो भी डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास में पुदीना अवेलेबल हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हो। और ढक्कन ढक देंगे और इसे जो है तो फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर है और कितना बढ़िया ये फाइन हमने पीस कर रेडी किया। दर दरा नहीं पीसना। इसे साइड में छोड़ देंगे। अब हम मटन देख लेंगे। मटन भी अच्छी तरह से जो है तो बॉईल हो चुका है। एक पीस में आपको तोड़कर भी बताती हूँ। मटन काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है।
अब इसमें जो हमने मसाला बना के रखा है ये डालेंगे, और जो मिक्सी का जार है उसमें आधा कप पानी डालेंगे और मिक्सी के जार को वॉश करके डाल देंगे ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए। अब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब जो है तो हमारा मटन है इसका टोटली कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पुदीने का पत्ता डालेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, इसे हमने छन्नी बत्ते में कूट कर रेडी किया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। आधा कप दही डालेंगे और सारी चीजों को देखिए मिक्स करेंगे। इसका कलर कितना शानदार आया देखिए गाइस। अब इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके थे, इसका कलर कितना अच्छा आया था और ऑयल भी कितना अच्छा इसके ऊपर आ चुका था। बहुत ही शानदार ये मटन बनकर रेडी होता है। आपके घर का भी कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, तो जरूर से ये मटन बनाकर रेडी कीजिएगा। अब हमारा जो मटन है ये रेडी है। अब इसे एक सर्विंग डिश में हम सर्व करेंगे। देखिए देखने में कितना ही शानदार और लाजवाब लग रहा है। ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता। तो आई होप गाइस आपको ये सुपर डिलीशियस मटन की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइट में जो बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइस। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।